फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। तो गाइस, मैं कुछ दिन पहले बताया था कि जियो का गीगा फाइबर जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसका मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो फाइनली जियो गीगा फाइबर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उससे पहले कि मैं आपको रजिस्ट्रेशन दिखाऊँ जियो गीगा फाइबर का, मैं जियो फोन 2 के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, जियो फोन 2 रिलीज हो चुका था, बहुत दिन पहले अनाउंसमेंट हो गया था और 15 तारीख से मिलना स्टार्ट होने वाला था, मगर 15 तारीख को यह फ़ोन मिलना स्टार्ट नहीं हुआ और उसके बदले 16 तारीख को ये फ्लैश सेल में आने वाला था और आ भी चुका था। आज 16 तारीख है और 12 बजे ये सेल चल भी गया, ख़त्म भी हो गया होगा। और फ्लैश सेल में यही प्रॉब्लम होता है कि जो पहले आता है उसी को मिलने वाला है। तो आज का जो सेल था और बहुत को जो जो मिस किया तो कोई बात नहीं, अभी 30 अगस्त को फिर से जियो फोन 2 का सेल आने वाला है, फ्लैश सेल। आप फटाफट 12 बजे दोपहर को जाके ऑर्डर कर दीजिएगा और आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इसका स्पेसिफिकेशन मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, अगर आपका स्पेसिफिकेशन देखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन। बस मैं आपको इसका कॉस्ट बता देता हूँ, इसका कॉस्ट है 2999 रुपीज़। और ये जो प्रोडक्ट है, जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे उसके बाद आपको घर में डिलीवर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा जियो फोन 2 के बारे में, होपफुली आपका घर में आएगा, नहीं तो आपका नज़दीकी जियो स्टोर में ये फ़ोन आ जाएगा आपके ही नाम पे। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो अगर आपने ऑर्डर किया तो टेंशन मत लीजिए, कुछ ही दिन में आपका घर में आ जाएगा या आपका नज़दीकी जियो स्टोर में आपको इन्फॉर्म मिल जाएगा। तो गाइस, जियो फोन 2 के बारे में मैं बता दिया, अगर आप जानना चाहते हैं इसका फुल स्पेसिफिकेशन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का वीडियो का मेन मोटिव यह है कि हम लोग जियो गीगा फाइबर के बारे में बात करें। तो बेसिकली गाइस, जियो गीगा फाइबर एक बार में सबको नहीं मिलने वाला ऑल ओवर द इंडिया, ये धीरे धीरे हर एक स्टेट में जा रहा है। तो प्रॉब्लम यह था कि 15 तारीख से या 14 तारीख से जियो गीगा फाइबर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था और मुझे जो आप देख सकते ये वाला पेज नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये धीरे धीरे सबको मिल रहा है। और बेसिकली अगर मैं जो टाइम वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद आप जाके अपने jio.com में खोलेंगे या जियो मोबाइल में खोलेंगे तो होपफुली आपको मिल जाए। अगर नहीं भी मिला तो आपको कोई टेंशन लेने का कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सब स्टेट में अवेलेबल हो रहा है। तो इसलिए मे भी अभी आपको नहीं शो कर रहा, 2-3 दिन बाद आपको शो करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही शो करेगा तो आपको इन्वाइट जियो गीगा फाइबर नाउ में क्लिक करना होगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका हो जाएगा और उसके बाद जैसे जैसे आपका स्टेट में आने लगेगा जियो गीगा फाइबर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कब आपका घर में वो फिक्स करके जाएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग इसको ऑन करके देख लेते हैं। और जियो गीगा फाइबर मतलब जियो DTH भी आप बोल सकते हैं एक तरह का। तो गाइस, हम लोग ये प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, कैसे इनवाइट करना आप देख लीजिए। और बेसिकली ये जो प्रोसेस है आप कहीं से भी कर सकते हैं, जियो का ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं या आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो आप जियो का ऑफिशियल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, जियो ऐप से। तो ये वाला बैनर में आपको क्लिक करना होगा इनवाइट जियो गीगा फाइबर नाउ, और इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक्यूरेट आपका घर का एड्रेस देना पड़ेगा, उसको आपको मैप में खोज खोज के करना पड़ेगा। बेसिकली ये जो एड्रेस है अगर आप इसमें लिखने जाएंगे अपने आप से तो एक्यूरेट नहीं बैठता। अगर आप देख रहे ये चीज़ तो ये चीज़ को आप जूम मिनिमाइज करेंगे तो आप अपना लोकेशन सेट कर सकते हैं। गाइस, पहले तो आप अपना लोकेशन देख लीजिए गूगल मैप्स GPS ऑन करके, एग्जैक्ट आप अपने घर में कहाँ है। और उसके बाद अगर आपको लोकेशन दिख गया उसके बाद आप ये पॉइंटर को जहाँ है जूम करके आप ये मैप वाला सिस्टम खोल लीजिए, सैटेलाइट को हटा के मैप में कर लीजिए। मैप में जैसे ही करेंगे तो आपको जो एक्यूरेट मैप में जो दिखता है इमेज वैसे ही दिखेगा। तो बेसिकली जैसे जैसे आप जूम करेंगे आपको स्टेट दिखेगा। तो होपफुली मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं ज़्यादा तो डेप्थ जाऊँगा नहीं। देखिए, मेरा जमशेदपुर में है घर, तो इस ऐसे करके मैं अगर जूम करते जाऊँ तो मेरे को अपना घर मिल जाएगा। और उस और आप अपने गूगल मैप से जहाँ आपका GPS दिखा रहा है, ब्लू डॉट दिखा रहा है गूगल मैप में, वही चीज़ को आपको इधर जाके खोज के पॉइंट करना होगा। थोड़ा सा मेहनत का काम है, क्योंकि जैसे ही आप इसमें एक्यूरेट सेट करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली एड्रेस सेट हो जाएगा। जहाँ आप देख सकते हैं ये एड्रेस चेंज हो गया। आप जैसे जैसे इसमें एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपका घर है और एग्जैक्टली आपका जो GPS दिखा रहा है वही आप पॉइंट कीजिए, आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली ये देख लेगा। यही खासियत है। और जैसे ही आपका हो जाएगा तो उसके बाद आप तो देखना होगा कि आप ये जो गीगा फाइबर ले रहे हैं ये घर के लिए ले रहे हैं कि वर्क स्टेशन के लिए ले रहे हैं। अगर आप घर के लिए ले रहे हैं तो इसमें कंफर्म क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप अपना नंबर नाम डाल दीजिए, पूरा नाम। और उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर, जो एक्टिव फ़ोन नंबर है वही नंबर डालिएगा, क्योंकि इसी में जब फ्यूचर में जब जियो गीगा फाइबर स्टार्ट होगा तो आपको इसी नंबर में नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही आप अपना नंबर डालेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, मैं कुछ भी लोकेशन सेट कर दिया हूँ, उसके बाद इसमें मैं अपना नंबर डाल देता हूँ जो मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद मैं गेट OTP में क्लिक करूँ,
जैसे आप गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे तो ये वाला टैब खुल जाएगा। यहाँ आप ओटीपी डाल सकते हैं, जो आपका मोबाइल नंबर है उसका ओटीपी डाल दीजिए। और ये चीज़ आप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप टाउन में रहते हैं, टाउनशिप डेवलपर कुछ भी, इस चीज़ को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। इधर आप कुछ भी नहीं देंगे तब भी चलेगा। मैं फटाक से अपना ओटीपी डाल देता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा दूंगा। तो ओटीपी क्या है मेरा देख लेता हूँ। तो उसके बाद मैं सबमिट करता हूँ, इसमें नहीं क्लिक करेंगे तब भी चलेगा, ऑप्शनल है। सबमिटिंग में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से ये एड्रेस सेट करना होगा। तो मैप जैसे कि हम बताया कि कहाँ कहाँ से आपको देखना है मैप, और पहले तो आपको मैप में क्लिक करना होगा। ये चीज़ आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। मोबाइल से करने से शायद आपका लोकेशन GPS का काम करने लगेगा, नहीं भी करेगा तो आप गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं। इसका काम हो जाएगा तो आप इसमें एड्रेस टाइप होम एड्रेस दे सकते हैं, अगर आप वर्क के लिए करना चाहते हैं, पेरेंट्स के लिए, रिलेटिव के लिए, आप जैसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और आपका एड्रेस इधर सेट करेंगे एक्यूरेट, उसके बाद आप प्रोसेस में क्लिक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर लिखा गया थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन जियो गीगा फाइबर। तो जैसे ही ये काम आ जाएगा तो ये आपको SMS कर देगा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया कैसे आपको इनविटेशन भेजना है जियो गीगा फाइबर के लिए। और ऐसे ही प्रोसेस में आप कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल से स्टेप है। बस थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको गूगल मैप खोल के आपका जो एग्जैक्ट घर में आप बैठेंगे और GPS ऑन कीजिएगा तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिख जाएगा। वही लोकेशन को आप अपने मैप में खोजिए और आपको वही चीज़ को उधर पॉइंट करना होगा। उसके बाद आप क्लिक कीजिएगा तो आपका एड्रेस खुद ब खुद हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पता चल गया होगा जियो गीगा फाइबर को कैसे इन्वाइट किया जाता है। और आपको होपफुली जब भी आपका स्टेट में आ जाएगा तो आपको ये डेफिनेटली मिल जाएगा। और अगर आपको ये पेज नहीं मिल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, कुछ ही दिन में आपका स्टेट में भी आ जाएगा। धीरे धीरे करके ये प्रोसीजर काम कर रहा है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, कोई बात नहीं, आपको भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको भी जियो गीगा फाइबर का लेना है, DTH जो भी कहना है तो उसको दे सकते हैं, वो भी ये प्रोसीजर देख के कर सकता है। और अगर आपको और अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे होता ही है मैं जब भी नंबर डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहता है और आप मेरे कोई भी वीडियो मिस नहीं करते। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। And I'll